हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 11 से। आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जो भी गुण होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, समझ पाएंगे। कॉम्प्रिहेंड द डाइवर्स डायमेंशंस रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे अलग अलग डायमेंशंस जो पॉवर्टी के साथ जुड़ी हुई है या पॉवर्टी के संबंध में उसके साथ रिलेटेड है। क्रिटिकली अप्रिशिएट द वे पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड, आलोचनात्मक तरीके से आप प्रशंसा भी करेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को, गरीबी को आंका गया है। अप्रिशिएट एंड बी एबल टू असेस एग्जिस्टिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, प्रशंसा भी करेंगे साथ ही साथ आप जो इस वक्त पॉवर्टी को हटाने के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको भी जो है आप अच्छे तरीके से असेस कर पाएंगे। तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन से। इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव स्टडीड द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंडिया हैज टेकन इन द लास्ट 5.5 decades एंड द आउटकम ऑफ दीज पॉलिसीज विद रिलेशन टू वेरियस डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़े उसमें आपने पढ़ा जो भी आर्थिक नीतियां बनाई गई, इंडिया द्वारा ली गई पिछले 50 सालों में या उससे ज्यादा, साथ ही साथ इन पॉलिसीज का अलग अलग डेवलपमेंटल जो भी चीजें इंडिकेटर्स रहे उनका जो नतीजा निकला उसके साथ क्या रिलेशन है। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एटलीस्ट मिनिमम बेसिक नीड्स जो है, जरूरतें जो है लोगों की, वो प्रोवाइड हो सके उनको, साथ ही साथ गरीबी में कमी आए, यही मुख्य उद्देश्य रहा है जो हमारा आजाद भारत है उसका। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव 5-year प्लान्स एनविसेज लेड एम्फेसाइज ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू द मेनस्ट्रीम एंड अचीविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया रही है उसमें क्या है, जो अभी तक के जो 5 साल के प्लान बनते हैं उसमें जोर किस पे दिया जाता है कि जो गरीब से भी गरीब इंसान है उसको ऊपर उठाया जाए। अंत्योदय जो हमारी योजना चल रही है, जो गरीब है उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, साथ ही साथ एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सबको मिल सके। व्हाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 जवाहरलाल नेहरू हैज सेड, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1947 में जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा, दिस अचीवमेंट इज बट अ स्टेप एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट्स अस, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो हमने एक इंडिपेंडेंस हासिल करी है ये सिर्फ एक कदम है, एक मौके की शुरुआत है, एक हमें ऐसा मौका मिला है, हमारे सामने मौका खुला है जिससे हम अभी और भी जो है जीत हासिल करनी है, नए नई चीजों को अचीव करना है जो हमारा इंतजार कर रही है, गरीबी को खत्म करना या जो भी इग्नोरेंस थी, डिजीजे थी या असमानता थी मौकों की, अब उन सबका खात्मा है। हाउएवर वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड टुडे, ये जानना बहुत जरूरी है हम आज कहाँ खड़े हैं। पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर इंडिया एज मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया अलोन। पॉवर्टी इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर यानी एक पांचवा हिस्सा कह सकते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी गरीब हैं उनका 1/5 हिस्सा तो हमारे यहाँ ही इंडिया में है, बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया के लिए भी ये प्रॉब्लम है। वेयर मोर देन 260 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यहाँ पर 260 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पॉवर्टी हैज मैनी फेसेस विच हैव बीन चेंजिंग from place to place and across time and has been described in many ways. गरीबी के कई चेहरे हैं जो लगातार बदल रहे हैं, जगह जैसे जगह होती है उसके हिसाब से होते हैं, समय के हिसाब से, और इसको कई तरीकों से डिस्क्राइब भी किया गया है। मोस्ट ऑफन पॉवर्टी इज अ सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप, ज्यादातर गरीब वो एक तरह से अवस्था है जिससे लोग भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। सो पॉवर्टी इज कॉल्ड टू एक्शन फॉर द पुअर एंड अ वेल्दी अलाइक, पॉवर्टी एक तरह से एक्शन की जो है आवाज है कि हमें एक्शन करना चाहिए, चाहे वो गरीब के लिए हो या अमीर के लिए। अ कॉल टू चेंज द वर्ल्ड सो दैट मेनी मोर मे हैव इनफ टू ईट, एडुकेट, शेल्टर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड अ वॉइस इन व्हाट हैपेंस इन देयर कम्युनिटीज। दुनिया को बदलने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खा सके, उन्हें
पर्याप्त उसमें एक शरण मिल सके, या एजुकेशन तक पहुंच हो, हेल्थ की फैसिलिटीज तक पहुंच हो, हिंसा से बचे रहें, सुरक्षित रहें, और एक आवाज कि उनकी कम्युनिटी में, समुदाय में क्या हो रहा है। टू नो व्हाट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, व्हाट चेंजेस ओवर टाइम, पॉवर्टी हैज टू बी डिफाइंड, मेजर्ड एंड स्टडीड एंड इवन एक्सपीरियंस। अब ये जानने के लिए कि किस मदद से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, इसमें क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, क्या बदला है समय के साथ, तो पॉवर्टी को डिफाइन करने के पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अनुभव भी करना पड़ेगा। एज पॉवर्टी हैज मेनी डायमेंशंस, इट हैज टू बी लुक्ड एट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब पॉवर्टी के हम कहते हैं बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो उसको वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स जो है उनके थ्रू देखना होगा। जैसे लेवल ऑफ इनकम हो गया और कंजम्पशन है, सोशल इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क हैं, या सोशो पॉलिटिकल एक्सेस है। ये सब चीज़ें जो है ये इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम जो है पॉवर्टी को एक तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु आर द पुअर। अब ये करेंगे अपने अगले वीडियो में।